अंग्रेजी विषय के अंतर आज अंग्रेजी विषय के अंतर्गत एक हमारी अलका मैडम जी हैं, जो कि विद्यालय महाविद्यालय के समय में वो अपने प्राइवेट ट्यूशंस पढ़ा रही हैं और उसके अंदर वह बच्चों के द्वारा फीस भी ले रही हैं। लेकिन अब हमारे महाविद्यालय के जो प्रधानाचार्य जी, उन्होंने उसका विरोध करा तो इन दोनों में लेके महासंघर्ष हो गया। बस यहाँ तक गनीमत मानी जा सकती है कि हाथापाई नहीं हुई, लेकिन वार्तालाप के रूप में काफ़ी यहाँ पे कटुवचन का प्रयोग करा गया है एवं छात्र छात्रा तो पहले से ही अपने बहिष्कार कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे हैं। बस निवेदन यह है कि यदि इसी प्रकार अगर महाविद्यालय का सत्र चलता रहा कि जिसके अंतर्गत सभी स्टाफजन आपस में लड़ रहे हैं, तो छात्र छात्राओं की उन्नति का किसी भी हाल में सवाल नहीं उठ सकता है, क्योंकि यहाँ पर कक्षा का बहिष्कार तो मूल रूप से नूतन भवन में शिफ्ट स्थानांतरण होने के लिए तो चल ही रहा है, लेकिन अब वर्तमान में स्थिति अब सभी के समक्ष है कि पुराने भवन की एक तो दशा जो है वो जर्जर हो रखी है और दूसरी चीज़ की अब जो वर्तमान में जो टीचर्स हैं वो भी इसी प्रकार से लड़ रहे हैं। करीबन कितने बच्चों को ये बाहर से जो आते थे वो उनको पढ़ाते थे? करीबन 7 से 8 बच्चों की संख्या मानी जा सकती है इसके अंदर। ये अपने आंग्ल भाषा के यानी कि अंग्रेजी के हैं। हाँ जी, कितने टाइम से पढ़ा रही हैं? करीबन 15 से 20 दिन हो गए हैं और कल महाविद्यालय के जो प्रधानाचार्य जी उनको यह बात पता पड़ गई थी, तो इसके अंतर्गत ये सारी वार्तालाप हुई है। जो कॉलेज टाइम है उसी टाइमिंग के बीच में? हाँ, उसी के अंतर्गत यह पढ़ाती हैं और जिसके अंदर से मेन जो कक्षा का जो समय होता है वो 1 घंटे का एक लेक्चर का होता है, परंतु वह 1.25 घंटा 1.25 घंटे इसी प्रकार से पढ़ाई जा रही है। नहीं, प्राइवेट नहीं, कोई ट्यूशन नहीं था, कोई कुछ नहीं। यहाँ बच्चे कोई जैसे कि हमारे संस्कृत के जो भी प्रेमी होते हैं संस्कृत अध्ययन करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ के अलावा और कोई संस्कृत मीडियम का कोई है नहीं, तो कोई इंटरेस्टेड होता है तो उसको पूछने के लिए समझने के लिए यहाँ हमने रास्ता दे रखा है। हमारे टीचर्स जो भी हैं एक्स्ट्रा टाइम में जैसे वो अपना चाहें तो उनको समझा सकते हैं। कोई बच्चा इंटरेस्टेड है संस्कृत में तो, क्योंकि संस्कृत मीडियम से कोई यहाँ पर पढ़ाने वाला नहीं है पूरे अपने अजमेर जिले में, केवल संस्कृत। अन्य सब्जेक्ट में अंग्रेजी विषय की नहीं, 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 नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, कोई बात नहीं ऐसी। अंग्रेजी विषय की टीचर बताई जा रही है जो बच्चे उनसे पढ़ रहे हैं? नहीं नहीं, ये हमें पता नहीं। अलका शर्मा नाम है मैडम? नहीं, हमें नहीं पता है। ये कौन बताया आपको, हमें नहीं पता, और जो बताया उसके आधार पर आप कर सकते हैं, हमें नहीं पता। आपके पास कोई जानकारी? नहीं नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो वो संस्कृत वाले आते हैं, जैसे कोई 70 साल का 60 साल का ही वृद्ध आते हैं जो मनुस्मृति में ये श्लोक है इसका अर्थ क्या होगा, कोई आता है ये कहने के लिए जो कि जैसे कि गुड स्टूडेंट्स की बात होगी। हाँ, जो भी तो नहीं, वही संस्कृत से संबंधित है, तो हमारे पास जो सूचना है जैसे हम करते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आप जो चाह रहे हैं वो बात है नहीं, वो मैं बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता, यदि बात होती तो कहता। हाँ, तो वो संस्कृत के प्रति जो भी किसी का अनुराग है तो उसके बारे में हम प्रश्नोत्तर करवाते हैं, करने में जो भी आ जाए इंटरेस्टेड तो आ जाए। अलका शर्मा इंग्लिश के टीचर? इंग्लिश के लेक्चरर हैं। विनय चंद्र झा? अच्छा,